हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित ओचानी, सीनियर फैकल्टी एट टाइम इंस्टीट्यूट जयपुर। टुडे आई एम गोइंग टू डीकोड दिस सेट ऑफ क्लैट कंसोर्शियम दैट दे हैव गिवन ऑन 27th ऑफ मे, राइट। सो इस सेट को देख के जो सबसे बेसिक फीलिंग हमारे मन में आती है वो ये आती है कि क्या ये कोई फर्नीचर क्वेश्चन है या हम कोई कारपेंट्री जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली आंसर इज नो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट। Although they have given on their website कि कुछ वो graphical representation का set देंगे in obviously this section quantitative techniques, but still बहुत सारे लोगों के मन में यही doubt था कि क्या ये जो set है ये इस form में आएगा तो क्या इससे पहले बहुत सारी हमें theory वगैरह पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको इनके पीछे कुछ points बताता हूँ कि अगर ऐसे sets आते हैं तो हमें पहले क्या basic approach लगाने चाहिए, right? So let's see some key points to remember when you're solving these kind of sets, ठीक है ना, जब एक graphical representation वाला set आता है। So first thing is what? You have to read the instructions very carefully because see, data में क्या दे रखा है ये बहुत ही important होता है। पर पढ़ते पढ़ते time एक basic गलती हम लोग कर जाते हैं, वो होती है over analyzation of a particular set। हमें actually ये सिखाया जाता है classes में कि जब आप कोई set पढ़ो तो आप बहुत आसानी से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, बहुत आराम से उसका एक एक विजन देखते चले जाओ, उसमें क्या क्या दे रखा है नोट डाउन कर लो, पर ये सब गलतियाँ नहीं करनी है। जब एक ग्राफिकल सेट आता है तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप जल्दी से सेट का एक एनालाइजेशन कर लीजिए, एक क्विक स्कैनिंग काइंड ऑफ कर लीजिए, देन यू गो टू द क्वेश्चन, ट्राई एंड मेक एन ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। तो ओवर एनालाइजेशन जरूरी नहीं है, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सेट कर लीजिए और फिर जितना इन्फॉर्मेशन यूज हो उसके बेसिस पे आप आंसर दे सकते हैं। और वो आज के सेशन में ऑब्वियसली आई विल टेल यू किस तरीके से क्वेश्चन को भी अप्रोच कर सकते थे, ठीक है ना। एंड देन समथिंग इज कॉल्ड इज जनरल वर्सेस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। देखिए, जनरल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है विच इज गिवन इन द सेट, ठीक है ना, जो आप समझते हैं, ठीक है। एंड समथिंग इज कॉल्ड इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू 100। क्या वो वैल्यू आप किसी दूसरे क्वेश्चन में जाके यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो, बिकॉज दैट वैल्यू इज गिवन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को यू यूज फॉर दैट स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल इन्फॉर्मेशन को आप पूरे सेट के लिए यूज करते हो एज अ पेरेंटल डेटा, उसके बेसिस पे आप बहुत सारे आंसर्स कर सकते हैं हर डेटा, लाइक हर क्वेश्चन में आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वन नीड्स टू रिमेंबर, राइट। एंड देन यूज ऑफ ऑप्शन। सी, कभी कभी क्या होता है, एक क्वेश्चन जब आपके सामने आता है तो हो सकता है यू नीड नॉट टू कैलकुलेट दैट क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शंस ही इतने ज्यादा वेरिएशन वाले हो। मान लीजिए कि एक ऑप्शन में वेरिएशन ही ऐसा दे रखा है, लाइक एक क्वेश्चन में तो आपको दे रखा है दैट यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ रॉड, राइट। अब उसकी लेंथ तो आपको फाइंड करनी है, पर पहला ऑप्शन है 21 मीटर, दूसरा है 100 मीटर, तीसरा है 300 मीटर। तो बिकॉज इतना ज्यादा वेरिएशन है तो शायद आप एक आइडिया लेकर डेटा को बहुत ज्यादा कैलकुलेट करें बिना भी आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। देन समथिंग इज कॉल्ड इज व्हाट, क्विक कैलकुलेशंस। देखो, क्विक कैलकुलेशंस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको ऑब्वियसली टाइम सेविंग जॉब रखता है, ठीक है ना। व्हेन यू टॉक अबाउट क्लैट, आजकल जो मार्केट में फीडबैक रन हो गया है वो क्या हो गया है कि आप क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को बिल्कुल साइड में रख दो। अराउंड 13, 15, 17 क्वेश्चंस जो 13 टू 17 क्लैट कंसोर्टियम हैव गिवन एन आइडिया कि इतने क्वेश्चंस आएंगे, आप सिर्फ उतने क्वेश्चंस देख लीजिए। आई थिंक अगर हम इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें और अगर पूरे के पूरे जो दो या तीन या चार सेट्स प्रोबेबली आने वाले हैं, मे बी फाइव और फाइव और थ्री और फोर क्वेश्चंस, व्हाट, ठीक है ना, बट व्हाट सजेशंस दैट दे हैव गिवन फ्रॉम दिस सेट, पांच क्वेश्चन का एक सेट उन्होंने अभी दिया है हम लोगों को, राइट। तो हमें आइडिया लगता है कि ठीक है, कहीं ना कहीं दो या तीन सेट्स हमें मिलने वाले हैं डी आई के सेट्स होंगे, ठीक है ना, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ऑफ कोर टॉपिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब आपको शायद बहुत हायर मैथ्स के टॉपिक और ये सब नहीं पूछा जाएगा, ऑब्वियसली सारे के सारे टॉपिक्स 10th तक के लेवल के होंगे, बट उनमें से भी कोर क्वेश्चंस कम आएंगे, बट डी आई के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ज़्यादा आएंगे। आई थिंक यू हैव दिस डेटा। सो क्विक कैलकुलेशंस का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि व्हेन यू सी एन ऑप्शन, राइट, आप क्या करिए कि आप बेसिक चीज़ें उसके लिए याद करके रखिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं व्हेन यू टॉक अबाउट अप्रॉक्सीमेशंस, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशंस में क्या होता है, जैसे कि 1/7 इज हाउ मच, 14.28%। तो ये कैलकुलेशन में जाकर आप यूज़ कर सकते हो। 1/8, 12.5%। तो अगर आपको ये बेसिक टर्म्स याद हैं, आई एम श्योर कि आप कैलकुलेशंस कंपैरेटिवली फास्टर करते हो। एंड सी वेदर यू फील इट कि डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे, कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस हमेशा होता है, एंड आई बिलीव दैट वी अंडरस्टैंड दिस, राइट। एंड सी व्हाट इज द समरी ऑफ दीज की पॉइंट्स, ऑलवेज स्कैन द सेट, राइट, टेक एन आइडिया, लाइक हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस पे लुक ले लीजिए, एंड देन ऑब्वियसली यू मेक एन ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, सेट ओ ओ ओ। व्हाई आई हैव रिटन हियर सेट ओ ओ ओ, बिकॉज ओ ओ ए इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट सेट करने से बहुत फायदा होता है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट से होता क्या है, एक बार मैं अगर लास्ट में एक बार इस पर एक बार फिर से आपको याद दिलाऊं,
ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या हुआ कि आपने पहला पूरा क्वेश्चन सेट स्कैन कर लिया, ठीक है ना, सेट पूरा स्कैन कर लिया, उसके बाद पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, आपको लगा कि अरे तो बड़ा टफ है, तो सेट को पढ़ने में आपने 4-5 मिनट लगाए थे या 2-3-4 मिनट लगाए थे, उसके बाद आपने 2 मिनट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगा दिए, अब आपके चूंकि 6-7 मिनट वेस्ट हो चुके हैं बिकॉज आपने कुछ प्रोडक्टिव तो किया नहीं है अभी तक, जबकि मेरे हिसाब से प्रोडक्टिव काम ये हो गया होगा शायद कि आपने सेट को थोड़ा बहुत समझ लिया होगा, जो शायद आप जल्दी कर पाते, आधे एक मिनट में कर पाते, राइट, बट फिर भी आपने कुछ बेसिक प्रोडक्टिव वर्क शायद किया उसमें, बट आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही डिसाइड कर लिया कि ये सेट मेरे से नहीं होगा। नाउ दिस इज रॉन्ग। व्हेन यू टॉक अबाउट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट का ये मीनिंग होता है कि आप क्वेश्चंस को एनालाइज कर लीजिए और देख लीजिए कौन से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजियर हैं, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली, ठीक है ना। सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी व्हाट दे हैव गिवन इन द डेटा, ठीक है ना। देखिए उन्होंने क्या दिया था, एक टेबल दी थी, एक गार्डन बेंच दी थी, और इस पे उन्होंने कुछ पॉइंट समझाए थे, ठीक है। तो मैं अगर एज अ स्टूडेंट इस सेट को अप्रोच करूँ और बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज ना करूँ, एज अ स्टूडेंट अगर आपको बताऊँ तो क्या करना है, एक मुझे खराब सा फिगर दिख रहा है जिसको देख के मुझे स्वाभाविक बहुत ज़्यादा डर लगना चाहिए, ठीक है ना, पर अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी है और मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ब्लफ्स होते हैं, शायद पूरा का पूरा रीड नहीं करना होता है। अब जो पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं, क्या बैक रेल, फ्रंट लेग, ये सब मैं क्यों पढ़ूंगा, क्वेश्चन ने खुद कहा है कि आपको 2-3 बेसिक पॉइंट्स सीखने हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पर देखें दैट दे हैव गिवन व्हाट, कि यू हैव टू एनालाइज अ मोर्टाइज, ठीक है ना, आप एक मोर्टाइज है जो कि एक होल होता है, मैं पूरा भी नहीं पढ़ूंगा, उसने मोर्टाइज के बारे में सिर्फ इतना बोला है मोर्टाइज इज अ होल, राइट, सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। देन दे हैव गिवन व्हाट, टेनन, एक ऐसा पार्ट जो कि मोर्टाइज के अंदर चला जाएगा। अब मैं क्यों ओवर एनालाइज करूं और आपको ये क्यों बताऊं कि मोर्टाइज कहां से आया है टर्म, टेनन क्यों बनाकर दिखाऊं मैं आपको कि इस तरीके से इंसर्ट होता है, क्वेश्चन ने बताया ही सिर्फ इसको बहुत छोटे छोटे टर्म्स में, राइट, और फिर एक नीचे पॉइंट दिया है, उसने बोला है जो स्लेट्स हैं वो फिक्स की गए हैं, राइट, द स्लेट्स फॉर द सीड आर एंड बैक आर फिक्स्ड इन अ सिंगल ग्रूव्स एंड नॉट मोर्टाइसिस, ठीक है ना, मोर्टाइसिस में नहीं, मतलब स्लेट्स में कोई टेनन नहीं लगा हुआ है जो जाकर उसमें इंसर्ट हो जाएगा, स्लेट्स बेसिकली स्टिक हो जाएंगे, इट इज एज सिंपल एज दैट। कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहता है आपको कि यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट स्लेट्स, स्लेट्स बेसिकली स्टिक की गई हैं, उसमें कोई टेनन का पार्ट नहीं है, इट इज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन ने कुछ तो सोच के ये 3 पॉइंट दिए हैं, उसने थोड़े ना समझाया रेयर लेग को आप डिटेल वर्जन में पढ़ो तो क्यों पढ़ने वाला हूं, राइट। तो एक क्विक स्कैनिंग में करता जा रहा हूं सेट की क्या क्या दे रखा है। देन दे हैव गिवन अ वेरी बैड लुकिंग टेबल, जो कि बहुत बड़ा सा टेबल है, ऊपर उन्होंने थ्योरी भी बताई है, द डायग्राम एंड द टेबल बिलो एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारी थ्योरी दी है। ओवरऑल एक उन्होंने एक टेबल बना के दिया है, इसमें मटीरियल दिए, जो जो पार्ट्स यहाँ पे गार्डन बेंच में यूज हुए हैं दे हैव गिवन दैट, और उनके सारे के सारे क्वांटिटीज कितना कितना है, एंड देन दे हैव गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना, उसके बारे में काफी कुछ बताया, और मैं एज अ स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्कैन नहीं करने वाला उसको स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे सुपर स्क्रिप्ट अगर आप साइड में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सुपर स्क्रिप्ट में उन्होंने कुछ दिया, जैसे कि यहाँ पे 1 कहीं पे लिखा है, कहीं पे 2 लिखा है एंड सो ऑन, तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है उसका मीनिंग उन्होंने नीचे समझाया है कि कुछ टेनेंस हैं जो कि अलग स्टाइल से यूज किए गए हैं और उनकी वहां पे लेंथ दे रखी है, कितना एक्स्ट्रा काइंड ऑफ है। सो आई थिंक दिस पॉइंट इज गिवन, ठीक है। सो यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द डेटा दैट आई गिव हिम, ये एक खराब सी टेबल बना के दी थी उन्होंने, उसके नीचे उसने कुछ मोर्टाइसिस वगैरह का ज्ञान दिया था, राइट, एक टेबल बना के दी थी, इससे ज्यादा कुछ डेटा में अभी तक नहीं दिया है। देन इफ आई सी द क्वेश्चंस, मैंने एक क्विक स्कैनिंग कर ली, आई थिंक मैंने 30 सेकंड्स या 1 मिनट के आसपास सेट पे लगाया, देन आई गो टू द क्वेश्चंस और मैं क्वेश्चंस अब 1 by 1 रीड करता हूँ। देखिए पहले क्वेश्चन में उसने पूछा हाउ मेनी मोर्टाइसिस आर देयर, अब मैं वापस से बहुत ज्यादा एनालाइज ना करूं तो मैं सिंपल से आपको बताऊंगा मोर्टाइसिस यानी कि होल्स काउंट करने, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, मे बी इन ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट दिस इज वन ऑफ माई प्रायोरिटी, राइट, मैं पहले इस क्वेश्चन को शायद सॉल्व करूँ। देन इफ आई सी द क्वेश्चन नंबर 1.2 विच सेज मोर्टाइसिस और टेनेंस का रेशियो बता दीजिए, तो ठीक है मोर्टाइसिस और टेनेंस का रेशियो बताना है और 4 ही ऑप्शन है, पिछले क्वेश्चन में तो तब भी ज्यादा मेहनत थी, उसमें तो बहुत सारे पैरामीटर से सबका मेरे को मोर्टाइसिस निकालना पड़ेगा, यहाँ पे तो 4 ऑप्शन के ही मुझे क्या निकालने हैं मोर्टाइसिस और टेनेंस। आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज इजियर देन 1.1। 1.3 को पढ़कर ही आपको फीलिंग आ जाती होगी दैट लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप पूछता है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप मतलब किसी के, देखो मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं क्वेश्चंस में जाके नहीं देख रहा हूं, पर लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप पूछ रहा है, दैट मींस क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझसे उस टेबल में जाके शायद मुझे डेटा पढ़ना है या कहीं मुझे फाइंड करना है, और फिर उसके बारे में उसने कुछ समझाया फिलर स्ट्रिप एंड सो ऑन ऐसे बहुत बड़ी कहानी सुनाई है, मैं इस क्वेश्चन को अभी ज्यादा पढ़ने वाला नहीं हूं, मुझे फीलिंग ही अलग आती है, राइट। एंड देन क्वेश्चन में 1.4 में बोलता है वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर व्हाट,
वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर वॉट फिलर स्ट्रिप्स. अब फिलर स्ट्रिप की लेंथ निकालोगे तभी तो वॉल्यूम आएगा. इसका मतलब पहले आप 1.3 क्वेश्चन करोगे तो शायद 1.4 हो पाएगा. तो ये डिपेंडेंट क्वेश्चन है तो पहले उसको करूंगा तभी ये हो पाऊंगा. तो अभी शायद ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट में पहले नहीं रख रहा. एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट बिफोर द सेंटर ब्रैकेट वॉज शेव्ड द मोटाइसिस वर कट आउट. ठीक है, मोटाइसिस को कट आउट किया और फिर पूछता है कि जो रिमेनिंग फ्रैक्शन है, जो रिमेनिंग वॉल्यूम है, वो कितना पार्ट होगा उसका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. वो ऑप्शंस दिए हैं और ऑप्शंस भी अगर मैं साथ साथ देखूंगा तो कहीं ग्रेटर देन 97%. मतलब क्वेश्चन डोंट नीड दैट यू कैलकुलेटेड एक्जैक्टली, राइट. तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ दो क्वेश्चन शायद डिपेंडेंट है, 1.3 एंड 1.4. डिपेंडेंट इन द सेंस 1.4 इज डिपेंडेंट ऑन 1.3. तो अगर मैं प्रायोरिटी बनाऊं तो शायद मैं बाकी तीन क्वेश्चन पहले करूंगा और बाकी के जो दो क्वेश्चन है वो बाद में. I hope you understand the order of attempt. So what should be the ideal order of attempt for us? I think this, right? If you see, we can have this order of attempt, right? How many mortises? जैसे ये questions जब हमने पढ़ लिए थे, ठीक है ना? तो अब इन questions को पढ़ने के बाद हमें एक ideal order of attempt चाहिए. तो what is the order of attempt for us? I think this is the order of attempt we have. So 1.2, we'll do 1.1, then 1.5, then 1.3, 1.4. So we can have this ideal order of attempt for us and you can see while solving the questions how I can prove कि ये questions अगर हम पहले करते और एक approach बना लें इन questions को करने की तो किस तरीके से हम help कर सकते हैं. I hope through this discussion you have a basic idea कि how I have decided an ideal order of attempt or order of attempt plays a major role while discussing questions. You will also understand this. So let's discuss the question one by one, right? So we'll take up the questions as per the order of attempt. So first we'll discuss question number 1.2. Okay. So this question says, for which part of the bench is the ratio of mortises to tenances 1:1? Thank God that we have selected this very simple question because इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, mortises से tenants calculate करके जल्दी से answer दे देना. और बहुत simple सा question है, 1:1, right? और luckily आपको चार options obviously दे रखे हैं तो चारों options के ही लिए check करेंगे आप, बाकी सारे points को तो check करने वाले नहीं है, right? So what you will do, that you will do it as, आप क्या करिए, options यहाँ पे लिख लीजिए. याद रहे ये समझाने के लिए मुझे लिखने पड़ रहे हैं, अदरवाइज जब पेपर आपके सामने होगा तो यू कैन जस्ट मेक अ मार्क लाइक दिस एंड देन यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, राइट. ओके, सो मोर्टिस टेनेंस, मोर्टिस इज ऑब्वियसली द होल्स, टेनेंस ऑब्वियसली द पार्ट दैट यू आर इंसर्टिंग इन दैट, राइट. सो फ्रंट लेग, टॉकिंग अबाउट दिस फ्रंट लेग, इफ यू सी द नंबर ऑफ मोर्टाइसिस वी हैव इज व्हाट, वन इधर आएगा, वन इधर आएगा एंड वन इधर आएगा. सो थ्री मोर्टाइसिस वी हैव, राइट. Number of tenons, obviously I can see one here. So one is the number of tenons. So ratio is 3:1. No need to analyze it more. This is not the answer because you need the answer is what, 1:1. Second option says arm. So see any arm because both are identical in that case, right? Number of mortises count करेंगे तो obviously आपको एक यहाँ से दिखने वाला है. And number of tenons आप count करेंगे तो आपको यहाँ पर एक दिखने वाला है. Like this is the tenon we have और ये insert होने वाला है किसी other part के mortise में, right? So answer is 1:1. Now as a student you need not to have like you need not to do any kind of research. आपको front rail और center rail को count नहीं करना है. But still just to give you understanding कि वहाँ पे नहीं आएगा शायद answer, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? So answer हमारा पहले आ चुका है. Answer for this question is arm obviously, right? Now talking about front rail is this. फ्रंट रेल में अगर आप देखेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोर्टाइसिस सिर्फ यहां पर एक दिखाई देगा जिसमें कि सेंटर रेल का एक टेनन आने वाला है, राइट. तो यहां पे मैं लिख दूंगा वन एंड नंबर ऑफ टेनेंट्स वी हैव इज व्हाट, टू. वो भी क्लियरली दिख रहा है. सो यू विल गेट द आंसर इज व्हाट, 1:2. सो दिस इज ऑब्वियसली नॉट द आंसर, राइट. टॉकिंग अबाउट द सेंटर रेल, द नंबर ऑफ मोर्टाइसिस इन द सेंटर रेल, इफ यू बेसिकली अप्रोच दिस, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आपको एक भी मोर्टाइसिस नहीं दिखाई देगा. And then 0 by anything is always what, 0. Now when I say anything, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए, right? But हाँ, 0 by any particular value is always 0. So यहाँ पे तो 1:1 नहीं मिलने वाला है. I hope you understand. Answer for this question is arm, right? Now this question for 1.1 says, how many mortises have to be cut to assemble the garden bench in a manner shown in the figure? ठीक है? तो देखिए, number of mortises आपको count करने हैं. So let me write the part. Now, what is the best thing about this question is options variation is there, right? अगर कहीं दो या तीन कम काउंट किए तो आंसर पे शायद फर्क नहीं पड़ेगा. So while calculating this question,
आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बर्डन कि आपको हर पार्ट का एक एक बहुत ही बारीकी से देखना है. सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट, कि आपको ऐसा नहीं कि एक आध अगर मिस भी हो गया और वो एक पार्ट में मिस हुआ है सो दैट विल नॉट प्ले अ वेरी ह्यूज रोल इन दिस राइट. सो कहां कहां पे मुझे दिखाई देते हैं मोटाइसिस लेट मी चेक राइट. सो आई कैन सी टू रियर लेग्स, सो आई कैन राइट रियर लेग्स एंड नंबर ऑफ रियर लेग्स आर ऑब्वियसली वॉट टू. फ्रंट लेग्स जहां जहां पे पॉसिबिलिटी है मैं पहले वो लिख लेता हूं, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से कैलकुलेट कर लूंगा इसको. देन आई कैन सी द फ्रंट रेल, रेल्स बेसिकली फ्रंट रेल. अभी पिछले क्वेश्चन में ही चेक किया था कि सेंटर रेल में नहीं है तो मैं उसको जबरदस्ती नहीं लिख रहा हूं राइट. देन बैक रेल कैलकुलेट नहीं किया था इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है. I hope you understand this. Center bracket. Obviously, they are 1, 1, 1. Center bracket is 1, right? Arms. How many arms are there? 2 arms are there. और कुछ कुछ parts के तो mortises हमने पिछले question में भी देखे हैं, right? Talking about the legs, right? Rear legs. आई थिंक इतना मोटा माटी मेरे को दिख रहा है, बाकी मुझे और कहीं कैलकुलेट करना पड़ा ऑप्शंस में दिखता है, कहीं बीच में फंस गया तो फिर और थोड़ा कैलकुलेट करूंगा, बट ओवरऑल मोटाइसिस वाला जो पार्ट दिया था वहां पे भी एनालाइज करेंगे तो हाँ इसके अलावा शायद कहीं दिखते नहीं राइट. ओके सो रियर लेग्स, एक रियर लेग पे दो व्यूज बन रहे हैं, एक फ्रंट व्यू से देखें आप और साइड व्यू से देखें तो मैं बहुत ही क्लियरली बोल सकता हूँ कि 1 and 2 यहाँ पे आ जाएंगे मोटाइस साइड व्यू से एंड 1, 2, 3 वी हैव 3 फ्रॉम द फ्रंट, तो 3 यहाँ से और 2 साइड से तो ओवरऑल 5 है. So 2 into 5, I can just multiply the figure and you'll get the values what 10. I hope you understand this right. Talking about the front legs, front leg के अभी हमने बात की थी number of mortises वहाँ पे clearly एक यहाँ पे और दो यहाँ पे दिखते हैं, back view से 2 and side view से 1, so 2 into 3. See, I am solving this question as a student, not as an expert. जिसने कि पहले से ही बहुत सारा analyze कर लिया है. एज अ स्टूडेंट करोगे तो थोड़े ना आप जाके बार बार अलग अलग से फिगर्स रीड करोगे, फिर आप एनालाइज करोगे यार यही तो है, तो क्लियरली दिख रहा है आपको दो चीजें इंसर्ट हो रही है और ये पार्ट तो हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी कैलकुलेट कर चुके हैं तो यहाँ पे डबल मेहनत नहीं करनी है राइट. फ्रंट रेल, टॉकिंग अबाउट दिस फ्रंट रेल, ऑब्वियसली एक मोटाई से हमने पहले कैलकुलेट किया था, आई थिंक 1 into 1 यू विल गेट द वैल्यूज व्हाट 1 राइट. टॉकिंग अबाउट बैक रेल, अगर बैक रेल देखेंगे तो आपको मुझे वहां पे कहीं पे भी दिखाई नहीं देता, सो दैट इज व्हाट 0 आई बिलीव राइट. सेंटर रेल, देखिए सेंटर ब्रैकेट, दिस सेंटर ब्रैकेट हैव 2 होल्स बेसिकली मोटाइसिस राइट, सो 1 into 2 गिव्स यू द वैल्यूज व्हाट 2. आर्म्स, टॉकिंग अबाउट आर्म्स, ईच आर्म हैव 1 मोटाइस, सो 2 into 1 टोटल इज 2, सो टोटल नंबर ऑफ मोटाइसिस आई कैन सी इन दिस क्वेश्चन दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 21. नो कॉन्फ्लिक्ट्स, आई एम गेटिंग अ परफेक्ट आंसर, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज व्हाट 21. सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1.5 नाउ. We are obviously discussing as per the order of attempt. Before the center bracket was shaped, देखिए center bracket shaping भी उससे पहले की बात कर रहा है. Mortises काट लिए थे, ठीक है ना, कट आउट कर लिए थे, मतलब होल्स कट कर लिए थे, ठीक है. What percentage of the volume of the wood for the center bracket remained after the mortises were cut out? ठीक है, basically क्या हो रहा है, सबसे पहले आप क्या करिए, center bracket का volume निकाल लीजिए, उसमें से आप mortise का volume निकाल लीजिए और जो बच गया है वो कितना परसेंटेज है आपको ये बताना है, एंड वो भी बहुत एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शंस ग्रेटर देन 97% है, 95 to 96% है, तो वेरिएशन है, मतलब एक्यूरेटली पॉइंट्स में कैलकुलेट नहीं करना है, बट हाँ कैलकुलेट करना है, तो पहले आई विल ड्रॉ अ पिक्चर कि मेरे को एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है, देन आई विल कैलकुलेट, रादर देन आई विल कैलकुलेट 1 by 1 एंड देन आई विल मेक द पिक्चर कि मुझे फाइनली कैलकुलेशन कैसे करनी, तो पहले आई विल ड्रॉ बेसिक पिक्चर. व्हाट सर इन दिस क्वेश्चन व्हाट यू नीड टू डू, you have to find the volume of center bracket. उसमें से दो मोटाइज जो हैं, उनका volume of minus कर दो. I hope you understand. ये होगा जो remaining उसमें volume बच जाएगा basically, ठीक है ना? Divided by volume of center bracket into 100. Volume of center bracket, अगर मैं इसको थोड़ा mathematically जल्दी से solve करूँ, I can easily write it as 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ मोटाइसिस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेंटर ब्रैकेट इन ब्रैकेट इनटू 100 राइट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, मैंने इंडिविजुअली डिवाइड दे दिया राइट.
Now I'm just putting the values. I am being confident because मुझे अब सिर्फ value डालनी है, directly I'll be very clear, like very close to the answer. I hope you understand this. Now, this is 2. Volume of mortises. Volume of mortise देखने के लिए यहाँ पे बहुत ही clearly दे रखा था कि mortise का ये जो figure दे रखा है 1/2, 1/4, 1/4, this is the volume because नीचे दिया है width, length and depth that is given in this question, right? So mortise का volume मैं directly लिखूँगा 1/2. एज अ स्टूडेंट भी मुझे यही करना चाहिए. अब मुझे पता है 1/4 को मैं 5/4 लिखूंगा. आई नीड नॉट टू राइट 1/4, देन एक और स्टेप लिखूं. देयर यू कैन रिड्यूस सम स्टेप्स. सो दैट इज व्हाट 5/4. अगेन 5/4. प्योर कैलकुलेशन, नो लॉजिक्स देयर, राइट टिल नाउ. ओके, देन डिनोमिनेटर में आ जाएंगे. वॉल्यूम ऑफ सेंटर ब्रैकेट. अब वॉल्यूम ऑफ सेंटर ब्रैकेट मेरे को देखना है. अब मैं इस बात की रिसर्च में नहीं जाना चाहता कि यार ये फिगर मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, इसमें लेंथ विड्थ कहाँ होगी, पर यहाँ क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली दे रखा है दिस. इफ यू रीड दिस डेटा एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस, एज सिंपल इज दैट, राइट. नाउ 1/4 मींस 5/4, 3/4 मींस 13/4 एंड 10 इनटू ऑब्वियसली 100. दैट्स इट. आई बिलीव यू अंडरस्टैंड दिस. प्योर कैलकुलेशन, नथिंग लॉजिकल, राइट. 5/4, 5/4, 4/4, 2/2. वॉट इज रिमेनिंग? 5 से 2 टाइम्स क्या? फाइनली इट इज 1 - 1/13 इंटू हाफ. आई कैन राइट इट एज 1/26 इज वेल. आई कैन ऑल्सो राइट द वैल्यू एज 25/26. मैं उसको कैलकुलेट करके डिवाइड करके दिखा सकता हूँ, बट यहाँ पर मुझे बताना है जो पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे थे, टॉकिंग अबाउट क्विक कैलकुलेशंस एंड बेसिकली अप्रोक्सीमेशन. अब यहाँ पे अगर आपको अप्रोक्सीमेशन या टेक्निक्स वगैरह याद है, ठीक है ना, कि थोड़ा क्लोज चले जाओगे, वो भी मुझे बताना है. और मुझे ये भी बताना है आपको कि किस तरीके से यू कैन यूज दोज क्विक कैलकुलेशन टेक्निक्स वेयर वी विल टॉक, वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट 1/7, 1/8, 1/13. अगर ये सब याद हो तो, अगर 1/13 आपको याद है तो बेसिकली दिस इज 7.69%, राइट, 7.69, ठीक है ना. तो अगर मैं लिखूँ इसको तो मैं लिख सकता हूँ 100%. मैंने 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 7.69. ये जो फिगर मैं लिख रहा हूँ, ओके, लेट मी राइट हियर अगेन, राइट. सो आई कैन राइट इट एज 1 माइनस और मे बी 100% माइनस 7.69% डिवाइडेड बाय 2, विच इज लमसम इक्वल्स टू 3.8%. क्योंकि मुझे बहुत एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं करना है, इसलिए मैं आगे 4-5 पे नहीं जा रहा हूँ. सो 3.8 इज इनफ फॉर अस एंड यू विल गेट द आंसर इज वॉट 96.something%. So I can easily say that you'll get the answer for this question is option C, right? So let's move to the next question. Now this question seems to be a calculative question, इसीलिए शायद हमने इसे order of attempt में थोड़ा बाद में भी रखा था. What is the length of each filler strip? Filler strips are only between the two back slits. Back slits obviously ये part दे रखे हैं. क्वेश्चन बोलता है सिर्फ इनके बीच में ही फिलर स्ट्रिप. फिलर स्ट्रिप इन छोटे से पार्ट्स को बोल रहा है, राइट. आई होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस. एंड नॉट बिटवीन अ बैक स्लिट एंड अ रियर लेग. तो यहां पे नहीं लगा है, वो क्वेश्चन बोलता है यहां पे नहीं लगा है, ठीक है ना. ये क्वेश्चन ने मतलब बताया इसका, ठीक है. तो मैं इसको एक बार रिमूव कर दूं और मुझे याद रखना है कि यहां पे कोई भी फिलर स्ट्रिप नहीं आया. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन डायरेक्टली. अज्यूम दैट द गैप बिटवीन ईच रियर लेग एंड द एडजॉइनिंग बैक स्लिट is same as the length as a filler strip. ठीक है, देखो यहां पर filler strip तो नहीं लगाया, question बोलता है, लेकिन यहां पर जो gap है वो उतना ही होगा जितना कि filler strip होता तो लेता, ठीक है ना. यानी कि this gap is basically equals to the length of the filler strip, but filler strip is not there, that you have to remember, right? So how many filler strips are there? Let us analyze and then calculate this question, ठीक है ना. तो पहले तो समझते हैं, अच्छा होगा क्या. तो सबसे पहले तो अगर मैं देख लूं कि कितने filler strips है, तो I can see कितने back slits हैं. So I can see that there are 15 back slits. So 15 ऐसा कुछ lines दिखेंगे मेरे को. Right? और सभी के बीच में जो gap है वो filler strip के बराबर ही होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है. Now, this is one, this is the second back slit, this is the third back slit, this is the 15th back slit. Back slits तो खत्म हो गई हैं, पर as a पार्ट्स, मतलब कितने पार्ट्स डेवलप होंगे. मैं बस ये कह रहा हूँ, देखो 15 बैक स्लिट्स के बीच में 14 गैप्स बनेंगे, वो आप समझते हो, ठीक है ना. और दो गैप और आएंगे यहाँ पर, ठीक है, जो कि इससे बनेंगे. तो मैं इसको अभी 16th नंबर और इसको 17th नंबर डाल रहा हूँ कुछ देर के लिए, राइट.
सो आई कैन सी दैट 17 अगर लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें बीच में कितने 16 गैप्स आते हैं, ठीक है ना। और आपको बेसिकली एक गैप की कितनी विड्थ है या एक गैप कितना बड़ा है आपको यही निकालना है इस क्वेश्चन में, राइट। तो क्या करना है मेरे को बेसिकली 16 गैप्स की जो लेंथ है इस क्वेश्चन में अगर मुझे फाइंड करनी है तो 16 गैप्स की लेंथ कैसे निकालूं, लेंथ ऑफ दिस बैक रेल, लेंथ ऑफ द बैक रेल, उसमें से ये जो दो टेनन है ये तो अंदर चले जाएंगे तो ये विड्थ क्रिएट करने में तो कोई रोल प्ले करेंगे नहीं, यानी कि जो लेंथ क्रिएट होगी उसमें तो कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। तो मैं ये जो दो टेनन है उनकी लेंथ को माइनस कर दूंगा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देन और क्या माइनस करूं, तो आप देखेंगे जो ब्लैक बैक स्लिट्स हैं इनकी अपनी भी कुछ विड्थ है, वो भी तो गैप को कम कर रही होंगी। तो कितनी बैक स्लिट्स है, 15 है, आई कैन सी देम इजीली, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। और उस 15 में आपकी जो विड्थ है हर बैक स्लिट की अगर मुझे देखनी होगी तो आई कैन कम टू दिस फिगर एंड आई कैन रीड इस 5/4, वो मैं कैलकुलेट कर दूंगा। बट मैं अगर एज अ थ्योरी यहां पे लिखूं तो मुझे ये काम करना था, दैट इज 15 इनटू विड्थ ऑफ अ बैक स्लिट, राइट। नाउ वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द फिगर, 16 गैप्स की वैल्यू इतनी है तो वन गैप की वैल्यू कितनी होगी, लेट मी राइट द वैल्यू, वन गैप, और आई कैन वेरी इजिली से दैट दिस वन गैप इज द लेंथ ऑफ फिलर स्ट्रिप, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट, लेंथ ऑफ फिलर स्ट्रिप। नाउ इट इज ऑल अबाउट प्योर कैलकुलेशन, देखिए लेंथ ऑफ द बैक रेल इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड आई कैन रीड इट हियर, जाइए यहां पे देखिए बैक रेल कहां पे दे रखा है, सो व्हेन यू रीड द बैक रेल, जैसे कि यहां पे आई कैन रीड द लेंथ इज गिवन एज 40.5, राइट, सो आई कैन राइट द फिगर एज 41.5, देखिए 48.5 जो फिगर दे रखा है इसको जबरदस्ती आप 48 1/2 लिखें, उसके बाद 2 × 48 वो सब करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना है, ऑप्शंस पहले से जज कर चुके हैं, व्हाट बिटवीन 2.5 to 3, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन तो है, तो हमें नाइसली वहां से कैलकुलेट करना, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, राइट। नाउ 48.5 माइनस जो दो टेनेंस है, टेनेंस ये जो लेंथ है, अच्छा यहां पे सुपर स्क्रिप्ट में कुछ दे भी रखा है, व्हाट 2, वो इसीलिए दे रखा है कि टेनेंस की लेंथ यहां पर एक्स्ट्रा है, वो कितनी है 2 इंच, मतलब 1 इंच यहां से 1 इंच यहां से, तो ओवरऑल आपको 2 इंच सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो अगर एक टेनेंट की बात करोगे तो उसकी जो लेंथ है ऑब्वियसली वो 1 हो जाएगी माइनस, तो दो के लिए मैं डायरेक्टली 2 इंच यहां पर माइनस कर देता हूं, माइनस 15 इंटू द विड्थ ऑफ द बैक स्लिट, क्योंकि वही गैप हटा गैप को कम कर रही थी बेसिकली, राइट। तो बैक स्लिट की जो विड्थ है वो हमने यहां पे देख भी लिया था कितना है, 5/4, आई पुट द वैल्यू इज 5/4 हियर डिवाइडेड बाय 16। अब देखिए थोड़ा सा स्मार्टली कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा 16 से डायरेक्टली इसको पहले डिवाइड दूंगा, मैं तीनों को इंडिविजुअली डिवाइड दूंगा बिकॉज ये तीनों फिगर्स बहुत आसानी से दिखते हैं मुझे, दिस इज ऑब्वियसली 3 point something, और याद रहे 3 से स्लाइटली बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 48 एक बेसिक पॉइंट टेबल समय याद होना चाहिए, माइनस 2/16। नाउ व्हाट इज 2/16 इज 1/8, 1/8 इज व्हाट 0.125 परसेंटेज, चैप्टर में हम पढ़ते हैं 1/8 इज 12.5%, तो अगर आपको याद हो, क्योंकि यहां पे परसेंट तो निकालना नहीं है, तो फिर बेसिकली अगर आपको याद हो तो यू कैन राइट दिस फिगर इज व्हाट 0.125, सो यू कैन राइट 0.125 एंड दैट इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर, राइट, 0.125 माइनस, राइट, ये तो 3 point blah था वो हमें याद है, राइट। एंड देन 15 से देखिए आप 16 को लमसम डिवाइड दे देंगे, ऑल्दो आई कैन बी वेरी एक्यूरेट दैट दिस वुड बी 1.0666 एंड सो ऑन, बट दिस इज वेरी क्लोज टू 1, मतलब 15 से आप 16 को डिवाइड देंगे तो ऑलमोस्ट 1 time जाएगा, ठीक है ना। ऊपर वाला जो फिगर है 5/4 वो बेसिकली 1.25 होता है, जब आप उसको डिवाइड देंगे 1 point से समथिंग बड़ी वैल्यू से तो वहां पे 1.2 के आसपास की एक वैल्यू बन जाएगी, राइट। मैं इसको लमसम टर्म्स में लिख रहा हूं, ठीक है ना, एक लगभग वैल्यू लिख रहा हूं, तो यहां पे लिखा है मैंने 3, यहां पे लिखा है 1.2, ऑब्वियसली मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू इज व्हाट, यू कैन ऑब्वियसली हैव अ सेंस, 1.25 लिख देता हूं, चलिए, ठीक है ना, टू बी मोर क्लोजर टू द आंसर, ठीक है ना। तो 1.25 अगर आप यहां से माइनस करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी वेरी क्लोज टू व्हाट, 1.75 माइनस 0.125,
So I can say that this answer right now, I can see the answer is what? 1.6 something. 1.63 के आसपास अभी मैं बोल सकता हूं. याद रहे इसमें मैंने दो गलतियां की हैं जानबूझ के. एक मैंने यहां पे वैल्यू को कम लिखा था और एक मैंने यहां पे वैल्यू को बड़ा लिखा है. तो यहां पे कम लिखा है, यहां पे बड़ा लिखा है, तो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट आंसर देखिए अपना तो आंसर आ गया इस क्वेश्चन में. 1.5 से 2 के बीच में यू कैन इजीली से द आंसर इज व्हाट सी कैलकुलेटर. बिकॉज हमारा आंसर अगर 1.63 से स्लाइटली बड़ा भी आया और वो स्लाइटली बड़ा को लमसम में सपोज 1.7 के आसपास की कोई वैल्यू बोल देता हूं. बट ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आंसर दे देते हैं. ठीक है ना, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच फिलर स्ट्रिप. अरे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है. ओके, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर ऑल द फिलर स्ट्रिप. ओके, सो वॉल्यूम आपको निकालना है ऑफ वुड. ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम का तो एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ वुड फॉर फिलर स्ट्रिप्स. तो वॉल्यूम ऑफ फिलर स्ट्रिप्स निकालना है आपको. कितने फिलर स्ट्रिप्स है सबसे पहले तो मैं देख लेता हूं. सो आई कैन सी द नंबर ऑफ फिलर स्ट्रिप्स इन दिस क्वेश्चन इज व्हाट 28. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है यहां पे तो टी इंटू डब्ल्यू इंटू एल. ठीक है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला यू अंडरस्टैंड. हमें तीन पार्ट्स को मल्टीप्लाई करना है. लेंथ हमें पता नहीं है, वो हमने पिछले क्वेश्चन में 1.7 निकाल लिया था. आई होप यू रिमेंबर दैट राइट. सो 5/16, 5/8 एंड 1.7. इसमें भी ऑप्शंस में वेरिएशन है, बहुत एक्यूरेट कैलकुलेट नहीं करना था, इसलिए 1.7 से हमारा काम चल रहा है आसानी से. सो 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 4 से 7 टाइम्स कैंसिल हुआ. आई होप यू अंडरस्टैंड. यहां पे लिखा है मैंने 7, यहां मैंने लिखा है 16 to the 32. अब ये 25 यहां पे लिखा है, 25 मैं लिखना नहीं चाहता, इसको मैं लिखना चाहता हूं 100/4. आई होप यू अंडरस्टैंड. देखिए कभी भी 25, 75, 125 ये कैलकुलेशन में टर्म्स आते तो इनको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दो तो जो फिगर है वो 00 वाला दिखाई देगा. थोड़ा सिंपल कैलकुलेशन दिखेंगे राइट. सो यू कैन राइट इट एज व्हाट 100/4. अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेट करना है, मैं बिल्कुल ही उसी विजन से जा रहा हूं आगे राइट, क्योंकि क्वेश्चन में एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा राइट. ओके, सो इफ यू सी यू कैन राइट द फिगर एज 7/128 इनटू दिस इज ऑब्वियसली 170. 7 से कैंसिल आउट करोगे इसको तो आ जाएगा 18 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 7 × 18, 18 × 7, 126 होता है. आई कैन से दैट दिस फिगर इज 18.2857 एंड सो ऑन. बट यहां पर बहुत आसानी से 18 पॉइंट समथिंग तो लिख ही सकते हैं राइट. और सोचिए कि जब आप 18 से इस फिगर को डिवाइड दोगे तो जो भी आंसर आएगा आएगा तो 10 से छोटा ही. तो ये एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है जिसमें कि आंसर हमारा बन जाएगा एंड यू गेट द आंसर इज वॉट लेस देन 10 इंचेस. So, I hope that you understand the basics and the logics behind these kind of questions. So, as a student, आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा over analyze नहीं करना होता है इन questions में. जो पढ़ा जो दिया है उसको आप parental data को use करके जितने जल्दी जल्दी answers कर सकते हैं करिए. Easy questions को पहले answer करिए. आपको लगता है last वाले 2 questions जैसे कि इसमें dependent भी थे और वो नहीं निकाले जा सकते तो ठीक है, on a given day you can just leave those 2 questions अगर आपको लगता है बहुत calculative है. Otherwise, as a concept, this question is not very heavy. I hope you get the idea from this session. Thank you.